हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स आई एम योर टीचर प्रियंका और हम कर रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उसमें कर रहे थे मीन हमने क्या कर लिया है हमने कर लिया है रॉ डेटा वाला पार्ट जो कैसे मीन निकालते हैं और हमने कर लिया है डायरेक्ट मैथड तीन मैथड थे ना उसमें से हमने डायरेक्ट मैथड कर लिया है आज बारी आती है सेकेंड मैथड की दैट इज़ शॉर्टकट मैथड शॉर्टकट मैथड में हम पहले करेंगे एक फॉर्मूला उसके बाद हम कुछ करेंगे इंपॉर्टेंट वाले सम्स तो शॉर्टकट मेथड शॉर्टकट क्यों बोला गया इसका नाम ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हो जाएगा यह फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड से भी छोटा हो गया फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है और इस कारण ही जब स्टैट्स में जो डेटाज आते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं हमारे तो सम बहुत छोटे छोटे होते हैं इतने ज़्यादा डेटाज़ होते हैं कि उनको कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाता है तो ये जो शॉर्टकट मैथड है इसमें कुछ ऐसी कैलकुलेशन होती है कि जो नंबर्स हैं जो कॉलम्स में जो नंबर्स होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं तो इसलिए उनको कैलकुलेट करना ईजी हो जाता है इसीलिए इसका नाम रखा शॉर्टकट तो शॉर्टकट मेथड में हम जब मेन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला देखो क्या है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई अब इसमें कुछ नया लग रहा है कुछ नए टर्म्स हैं वो क्या क्या नए टर्म्स हैं एक तो ये ए क्या होता है ये हमको नहीं पता बिकॉज डायरेक्ट मेथड में हमने देखा नहीं दूसरा वो जो डी लिखा हुआ है ये भी हमने डायरेक्ट मेथड में नहीं देखा डायरेक्ट मेथड क्या था समी एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई बहुत ईजी था एफ एक्स ये तो हमको पता है अभी ये क्या नई चीज़ है तो देखो ए क्या होता है ए को हम बोलते हैं अज्यूम्ड मेन ठीक है और ये अज्योमिन हम देखते कहाँ ये एक टर्म होता है एक एक वैल्यू रहेगी ये हम आती लेके कहाँ से आएंगे ये भी अपने फॉर्मूला में सामने लिख लो क्योंकि बहुत से जन भूल जाते हैं ये अज्यूमिन हम हमेशा आई वाला जो कॉलम होता है ना उसी में से ही निकालते हैं ठीक है जब तुम्हारे पास एक्स आई पूरा हो तो उसमें से तुम कोई भी ले लो अज्यूम अज्यूमबिन ठीक है पाँच छः सात जितने भी एक्स आई तुमको दिखेंगे उनमें से किसी भी एक को तुम मान लो अज्यूम बिन और अपने सम को करो बट जनरली हम लोग बीच वाला लेते हैं मीन है तो ठीक है बीच वाला लेते हैं अज्यूम अज्यूमबिन बाकी कुछ भी ले सकते हो अब आती है बारी डी की तो डी क्या होता है एक बार जब ए निकल जाए उसके बाद हम करते हैं एक्स आई माइनस ए और इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो डी आई निकल जाएगा ठीक है इसको लिख लो अब मैं एक सम करती हूँ जिसमें हम समझेंगे अच्छे से कि ये ए कहाँ से निकलता है डी को कैसे कैलकुलेट करते हैं ठीक है थीके? तो चलो मैं ये सम करके दिखाती हूँ सो देखो शॉर्टकट में अपना पहला सम है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री पहला कॉलम वेजेस इन रूपीज़ जो क्लास इंटरवल दिए हैं फोर्टी फाइव टू फिफ्टी एंड ऑल और नीचे दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स ये है फ्रीक्वेंसी तो ये दो चीज़ें दी है हमने भी ये दो कॉलम रखे हैं पहले ही सोच लो हमको क्या क्या कॉलम चाहिए उस हिसाब से अपने कॉलम्स खींचेंगे क्या क्या कॉलम चाहिए एक तो ये क्लास इंटरवल का कॉलम हो गया वेजेस वाला ठीक है उसके बाद हमको इससे एक्स निकालना पड़ेगा एक्स आई तो हमको एक्स आई के लिए एक कॉलम रखना है फिर फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है और हमको ये क्या था उस फॉर्मूला में डी तो जो डी आई था उसका देखो मैंने फॉर्मूला भी यहाँ लिखा है एक्स आई माइनस है ये निकालने के लिए हमको एक कॉलम चाहिए और उसके बाद लास्ट में जो एफ आई डी आई करेंगे उसके लिए कॉलम चाहिए तो टोटल में कितने कॉलम हो गए पाँच तो ये पहले से खींच लो जिससे अपना सम जो है वो ऐसे गचपच नहीं बने अच्छा सा बने उसके बाद में अब हम चालू करते हैं एक्स निकालना कैसे निकालते हैं एक्स रिमेम्बर हम इन सब क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालेंगे ये हमने किया था क्लास मार्क मतलब कि अपर लोअर लिमिट को ऐड करना है डिवाइड बाई टू करना है तो नाइन्टी फाइव बाई टू आ रहा है 47.5 आया पॉइंट में आ रहा है एक्स कोई बात नहीं 50 55 को ऐड करके डिवाइड बाय टू करो सभी पॉइंट में आएंगे आप तो ये अपना आ रहा है 52.5 ठीक है अब अपने को पैटर्न पता चल गया क्या 47.5 में 5 ऐड करते हैं तो 52 होता है राइट देखो 7 प्लस फाइव ट्वेल्व हो रहा है तो अब 5 5 बस ऐड करते जाओ बार बार कैलकुलेट नहीं करना है तो 5 ऐड करेंगे 57.5 फिर 5 ऐड करो तो 62.5 सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव सेवेंटी टू पॉइंट फाइव और फाइव ऐड किया तो सेवेंटी पॉइंट फाइव ठीक है ये हो गया इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ जगह नहीं है इसलिए अच्छा अब हमने ए uh, निकालना है दैट इज़ अज्यूम मीन मैंने बोला था अज्यूम मीन एक्स में से निकलता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऑड नंबर हैं इसका बिल्कुल बीच का पार्ट आराम से देख सकते हो तीन इधर हटाओ तीन इधर हटाओ येरा बीच का सिक्सटी टू पॉइंट फाइव इसको हम ले सकते हैं ए ठीक है ये ए हो सकता है इस लाइन को मत लगाना समझाने के लिए बाकी तुम देखोगे तुम कोई भी सिक्सटी टू पॉइंट फाइव की जगह तुम सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव लेके देखो फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव देखो तुम्हारा आंसर फिर भी सेम आएगा बट फिर भी हम लोग जनरली कोशिश करते बिल्कुल मिड वाला निकाल सके समझ लो सात की जगह छः होते तो मिड कौन सा होता थर्ड फोर्थ में से कोई कुछ भी ले लो उन दोनों में से तो भी आ जाएगा एक तो हमको अब ए पता चल गया अब हम डी आई निकालते हैं वो होता है एक्स आई माइनस ए इसका मतलब क्या है देखो फर पहला वाला का एक्स आई क्या है ये इसमें से ए माइनस करो राइट तो हम पहले वाले का देखो यहाँ रफ में करोगे ये फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव एक्स आई इसमें से माइनस करो सिक्सटी टू पॉइंट फाइव तो आंसर माइनस में आने वाला है माइनस फिफ्टीन लिख दो माइनस फिफ्टीन ठीक है अब 52.5 से जब हम 50 सॉरी 62.5 माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है माइनस टेन माइनस टेन तो माइनस टेन लिख दो ओके okay. और इतना अच्छा करने से तुमको पैटर्न समझ में आ जाएगा आगे का सॉल्व कर भी सकते हो बट देखो ऐसे ही समझ में आ रहा है माइनस माइनस फाइव फाइव होते जा रहे हैं ना तो नेक्स्ट आएगा माइनस फाइव फिर आएगा ज़ीरो फिर आएगा फाइव फिर आएगा टेन फिर आएगा फिफ्टीन ठीक है सॉल्व करके भी देख सकते हो बट यही आएगा उसके बाद आता है एफ आई डी आई अब बहुत ईजी है ये रहा एफ आई ये डी आई मल्टीप्लाई कर दो फिफ्टीन फाइव कितना होता है सेवेंटी फाइव माइनस सेवेंटी फाइव माइनस एट्टी माइनस वन फिफ्टी इस वाले में ध्यान रखना ट्वेंटी फाइव इंटू ज़ीरो बहुत छोटी सी बात है ये जीरो होता है ट्वेंटी फाइव मत लिख देना बहुत सी ऐसा गलती करते हैं फिर ये हो गया सेवेंटी ये हो गया वन ट्वेंटी नाइन्टी ठीक है अब हमको चाहिए टोटल इसको थोड़ा हटा दूँ हमको अपने फॉर्मूला के हिसाब से चाहिए एक तो सम ऑफ एफ आई डी आई ये सम और एक सम ऑफ एफ आई ये सम तो चलो इन दोनों का सम कर दें इनका देखते हैं पहले थ्री ये पूरा हंड्रेड हुआ अब इसको करते हैं तो यहाँ प्लस माइनस अलग अलग कर ले पहले प्लस वाला प्लस टू है और माइनस थ्री हंड्रेड एंड फाइव यानी आंसर अपना माइनस में आएगा माइनस ट्वेंटी फाइव ठीक है ये अपना आ गया अब अपने लिखेंगे अपना फॉर्मूला तो फॉर्मूला क्या है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई राइट तो क्या हुआ एजूमिन क्या था सिक्सटी टू पॉइंट फाइव सिक्सटी टू पॉइंट फाइव प्लस एफ आई डी आई ये रहा माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन नीचे रखना अपने को हंड्रेड तो ठीक है अब आगे का पार्ट हम करते हैं थोड़ा सा मैं टेबल का पार्ट हटा दूँ ये तो हो गया फिर करेंगे अब देखो अपना आ रहा है मीन इज इक्वल टू सिक्सटी टू पॉइंट फाइव ये प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस ट्वेंटी फाइव फोर हंड्रेड ना ये काटोगे तो वन बाई फोर आएगा ओके नॉर्मल एलसीएम ले लो या ये जीरो पॉइंट टू फाइव करके भी कर सकते हो ठीक है आप ले लेते हो टू फिफ्टी माइनस वन टू फोर्टी नाइन बाई फोर आ रहा है सिक्सटी टू टू पॉइंट फाइव विल बी आंसर अब देखो एक और सम करते हैं और इसमें देखो क्या लिखा है फाइंड द मीन एज इन ईयर्स फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन बिलो कुछ uh, दिया हुआ तो नहीं है कौन से मेथड से करना है तो हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं तो अभी तो अपने कर रहे करें अब इसमें देखो एज इन ईयर्स सारे क्लास इंटरवल दे दिया नंबर ऑफ पर्सन जो है वो क्या है फ्रीक्वेंसी है इस समय एक चीज़ गौर करो हमने अभी तक जितने भी क्लास इंटरवल के सम देखे वो सारे कंटिन्यूअस थे कंटिन्यूस मतलब टेन से ट्वेंटी तो दूसरा ट्वेंटी से ही चालू होता है ट्वेंटी से थर्टी थर्टी से फोर्टी लेकिन इसके अंदर तुम देखो ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी नाइन फिर ट्वेंटी नाइन से नहीं चालू हो रहा एक गैप देखे थर्टी से थर्टी फोर फिर एक गैप देखे ऐसे चालू हो रहा है तो ऐसे में आ, तुम अगर ऐसे ही सम करोगे जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से अपना सम करोगे तो भी आंसर वही आएगा बट जो राइट right मेथड है वो हमको ऐसा करना है कि हमको सबसे पहले इसको कंटिन्यूस में चेंज कर देना है ठीक है अभी ये मान लो कि ये जो क्लास इंटरवल है ये बिफ़ोर एडजस्टमेंट है हमको इसको आफ्टर एडजस्टमेंट कैसे करना है कंटिन्यूस करना है उसके बाद ही हम सम करेंगे तो देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया जो दिया हुआ है वो क्लास इंटरवल रखा है लेकिन फिर एक क्लास इंटरवल के लिए मैंने जगह छोड़ दी लिख दिया यहाँ क्लास इंटरवल आफ्टर एडजस्टमेंट ठीक है उसके बाद जैसे हमारे हैं कि चलो ये एक्स आई ये हमको अभी निकालना पड़ेगा एफ आई ये हमारे को फ्रीक्वेंसी दी हुई है मैं लिख देती हूँ ये सारी फ्रीक्वेंसी क्या है फोर फोर्टीन ट्वेंटी टू सिक्सटीन देखो इसका सारा लिख देती हूँ फोर फोर्टीन ट्वेंटी टू इसका है सिक्सटीन फिर आगे है सिक्स फाइव थ्री ठीक है डी आई हम अभी निकालेंगे एफ आई डी आई बाद में सॉल्व करेंगे अब सबसे पहली चीज जो है वो है कि ये एडजस्टमेंट कैसे करना तो इसमें देखो हमारे पास ट्वेंटी नाइन के बाद क्या आता था थर्टी यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है वन का एक का आधा करो डिफरेंस कितने का है डिफरेंस है वन का ट्वेंटी नाइन के बाद एक छोड़ के थर्टी एक का आधा करो तो कितना होता है जीरो पॉइंट फाइव अब इस जीरो पॉइंट फाइव से हम क्या करेंगे ये लोअर लिमिट होती है ना ये होती है अपर लिमिट हम क्या करेंगे ज़ीरो पॉइंट फाइव को जीरो पॉइंट फाइव सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लोअर लिमिट ठीक है और जीरो पॉइंट फाइव एड टू अपर लिमिट ओके okay? अब ये मैं करके दिखाती हूँ जीरो पॉइंट फाइव सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लोअर लिमिट ट्वेंटी फाइव में से जीरो पॉइंट फाइव ये सारे लोअर है। हैं ट्वेंटी फाइव से हमने जीरो पॉइंट फाइव माइनस किया ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव और अपर लिमिट में ऐड कर दो ट्वेंटी नाइन में ऐड किया ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव सेम चीज़ नीचे थर्टी से माइनस करो 29.5 इसमें ऐड करो 34.5 देखो कंटिन्यूस हो रहा है 29.5 में खत्म हो रहा है 29.5 पे चालू हो रहा है ऐसे ही हम सबको करेंगे ये हो गया 39.5 नाइन पॉइंट फाइव 49.5, नाइन पॉइंट से 59.5, ठीक है ये सारा काम तो हो गया अब हम x निकालते हैं जैसे हम निकाला करते हैं कैसे निकालते हैं क्लास मार्क होता है इनका मतलब इनका मिडिल पॉइंट निकालना है देखो मैंने बोला था मिडिल पॉइंट के लिए हमको मिड वैल्यू के लिए हमको एक फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी होता है कभी कभी ऐसे पॉइंट में कन्फ्यूजन हो जाता है अभी बहुत ईजी है लोअर अपर ऐड करके डिवाइड बाई टू ही हमको फॉर्मूला पता है तो लोअर अपर ऐड करो इसको इसको ऐड करो तो होता है ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी नाइन फिफ्टी फोर हो रहा है इनको ऐड करके डिवाइड बाय टू करो ट्वेंटी सेवन ठीक है एक और कर देते हैं ये ट्वेंटी वाइन ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव थर्टी थर्टी और थर्टी फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाय टू करेंगे थर्टी टू ठीक है अब सबको करने की जरूरत नहीं इन दोनों में गैप देखो पाँच पाँच का है ना पाँच पाँच बढ़ रहा है तो बस पाँच बढ़ाते जाओ हो गया ओके okay. अब हमको चाहिए ए अज्यूम मीन जो हम एक्स से निकालते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये ऑड नंबर है तो मिडिल बहुत अच्छे से पता चलेगा तीन इधर छोड़ो तीन इधर छोड़ो फोर्टी टू को ले लिया अज्यूम मीन ठीक है और वही बात है अगर ये फिफ्टी सेवन नहीं होता तो हम किसको लेते थर्टी सेवन फोर्टी टू में से कुछ भी ले लो एक्चुअली तो एक्स आई में से कुछ भी ले लो तो भी आंसर आ जाएगा ये आ गया अपना अब जूम में अब अपने डी निकालते हैं एक्स आई माइनस ए मतलब ट्वेंटी सेवन माइनस फोर्टी टू माइनस में आंसर है माइनस फिफ्टीन थर्टी टू माइनस फोर्टी टू माइनस टेन बस अब अपने वो समझ में आ गया क्या पैटर्न है माइनस फाइव जीरो फाइव टेन एंड फिफ्टीन सेट अब एफ आई आई डी दिस इंटू दिस हो गया सारा अब हमको चाहिए क्या सम एक तो ये ऑफ़ एफ़ आई और दूसरा चाहिए सम ऑफ़ ओके चलो ऐड करते हैं सेवेंटी हो रहा है इसमें हम माइनस प्लस अलग अलग करें तो प्लस वाला सारा करोगे तो देखो हो रहा है फाइव ये तो 125 है प्लस और माइनस करो तो हो रहा है जीरो 310 हो रहा है तो 125 ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री इसको रफ में करोगे तुम्हारा तो माइनस वन आ रहा है इधर ठीक से लिख सकते हो ये चीज़ माइनस वन ओके अब हमारे पास आता है हमारा फॉर्मूला और इसको पुट करना है मैं थोड़ा सा पार्ट टेबल का हटाती हूँ फिर करते हैं तो अपना फॉर्मूला है मीन का मतलब कौन सा मेथड शॉर्टकट मेथड से मुझे इरेज हो गया भूल से ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई अजूम मैंने हमने क्या लिया था मैंने इरेज कर दिया इसके बाद पहले वाला ही था फोर्टी टू तो फोर्टी टू प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई इज ये माइनस वन एट्टी फाइव और सम ऑफ एफ आई क्या था सेवेंटी बस सॉल्व करते हैं थोड़ा ये कट जाएगा काट देते इसको फाइव से जा रहा है ओके अब फाइव फिफ्टी वन बाई फोर्टीन ये सेवन से जा रहा है क्या नहीं जा रहा तो इसका मतलब हमको सिंपली डिवाइड ही करना पड़ेगा थ्री से जा रहा है फिर कितना नाइन से, तो से, से जा रहा है आई थिंक से थ्री से जाएगा फाइव से जा रहा है कटेगा तो नहीं बस अब लास्ट ही और और नहीं करेंगे तो ये एट हज़ार कुछ जाएगा तो थर्टी नाइन पॉइंट जो थ्री फाइफ एट वो भी अप्रॉक्सीमेट आ रहा है तो इसको हम अपना क्या कर देते हैं थर्टी नाइन पॉइंट थ्री सिक्स कर लेते हैं ये आंसर आ जाएगा अपने वो क्वेश्चन क्या पूछा था क्वेश्चन बोल रहा था फाइन द मीन एज इन ईयर्स तो थर्टी नाइन अप्रॉक्स जरूर लिखना बिकॉज ये अपना प्रॉपर लिख हुआ नहीं था तो अप्रॉक्स हो गया क्लियर है तो आज खत्म कर लिया हमने शॉर्टकट मेथड ओके अब बचता है एक वो है स्टेप डेविएशन मेथड वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं फटाफट -फड़ वीडियो बना रही हूं एग्जाम्स आने वाले हैं तुम लोग भी इसको प्रैक्टिस करो तब तक स्टेप डेविएशन के लिए रेडी हो जाओगे ठीक है फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर करना उनको भी भरने का मौका दो बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग एटलीस्ट फाइव सम्स अ डे हमेशा प्रैक्टिस करना है सो दैट यू कैन से येस टू मैथ्स बाय जय हिंद